नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या आदि समस्त सुख मिलते हैं। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बड़ी होने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा किया करता, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी लापरवाही देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ रोगी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोग, देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, हाय, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उसके पूर्व पुण्यों के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं माँ? देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी,
मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तू ध्यान से सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा माता के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी सुमति प्रसन्न हो गई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और देवी की स्तुति करती हुई बोली, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनुष्य को मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे माँ अम्बे, मुझ निर अपराध बाला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ ब्याह दिया, घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर जनवन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, उदाल्य नामक एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही तुझसे उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह भी मांग ले। सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करें। यदि 1 दिन भर का व्रत न कर सकें, तो 1 समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान पूर्वक पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त करने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की,
कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महत्तम है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।